Sorojo Sitar. I don't like it, but people like Sorojo Sitar, so that's why I am making this video for Sorojo Sitar selling video, guys. Yeah, guys. आज के वीडियो के अंदर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि सौरभ सिंह के थार को कैसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। जा पूछ क्या? गाइस मेरे थोड़े बहुत दिन से जैसे कि सौरभ सिंह वीडियो बना रहे थे कि यार मेरे को थार बेचना है, क्योंकि यार उनको थोड़ा मतलब जो भी होता है उनको थोड़ा मतलब फीलिंग ऐसा होता है कि यार सेफ्टी नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका गाड़ी बहुत फेमस, आप फेमस हो तो आपका गाड़ी भी फेमस है, आपका गाड़ी का नंबर भी सबको पता चल जाता है। मैं बहुत टाइम पे वैसे ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, जैसे कि बहुत सारे वीडियो देखोगे, सौरभ जोशी थार बेच रहा है, सौरभ जोशी फॉर्चूनर बेच रहा है, सौरभ जोशी अपना इनोवा बेच रहा है, सौरभ जोशी गाड़ी बेच रहा है, सौरभ जोशी खुद को बेच रहा है। मेरे को लग रहा है कुछ दिन तो बोलेंगे लोग सौरभ खुद को बेच रहा है, हमने उसको खरीद के ला लिया अपने घर पे बैठ के, भात चावल दाल चावल जो खाता वो खिला रहे हैं भाई। लेकिन अभी बात ये हो रहा है कि देखो बहुत सारे बंदे तो कंडक्ट करते हैं, वो तो शायद सबको रिप्लाई भी नहीं दे पाए होंगे, तो मैंने भी कोशिश किया था कि यार चीज क्या है देखते हैं। फिर मैंने जब पता लगाया कि बहुत टाइम के बाद मेरे को रिप्लाई मिला उन लोगों से, और फिर वो बोले कि हम लोग थार बेचने दें, क्योंकि बॉबी बॉय जो है उन लोगों के शायद वो कुछ भी करके वो मतलब वो थार को जान नहीं देंगे, या फिर मतलब ऐसे ही कुछ हो रहा है उनके पास, और शायद बॉबी बॉय उस थार को खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो कंटेंटर है वो सब ऐसे कंटेंट फैला रहे हैं कि सौरभ जी भाई ने मेरे को थार बेच दिया, मैंने खरीद लिया और मैं चला रहा हूँ। भाई चूतिया बनाने का एक हद होता है, मतलब कुछ भी करके वो व्यूज ला रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर। मैं भी ये व्यूज लाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा कि नहीं मैंने सौरभ जी का थार खरीद लिया। अरे साले इतने, अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते। इतने लोग अगर मतलब ये जो खरीदेंगे थार, ठीक है, तो मतलब सौरभ जी क्या करेगा, एक एक टुकड़ा उसका बेचेगा, इसका 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए तो नहीं होगा। लोग तो बोले 18 लाख के थार को 50 लाख दे के खरीदने के लिए। मतलब गाइस देखो मेरे को पता है सौरभ जोशी बहुत फेमस आदमी है, वो बहुत अच्छा भी बंदा है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और ना कि आप लोगों को गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उनको मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा, मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि जो भी ये सब वीडियो बना रहे कि मैं सौरभ जोशी का थार खरीद लिया, बिल्कुल झूठ बना रहे। और यूट्यूब तो भाई चूतियों को ही सपोर्ट करने में पहली नंबर वन पे रहता है, ट्रेंडिंग साले छिपकली मेरे घर के जो कि बांध के ऊपर आके बैठ गया और मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, वो वीडियो रहता है ट्रेंडिंग वन पर। गाइस क्या ही बोले, अगर ऐसे ऐसे वीडियो को सपोर्ट करोगे तो खुद ही दिक्कत में फंस जाओगे। तो गाइस यार छोड़ो यार ये सब पार्ट को छोड़ते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना। फिलहाल मैं इसके बारे में पूरा अपडेट दूंगा दूसरे वीडियो, यानी कि कल क्या क्या हो रहा है पूरा प्रूफ के साथ आप लोग को अपडेट देगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को अभी एक चीज बताने वाला हूँ, बहुत सारे जो वीडियो बना रहे हैं बनाने दो, कोई बात नहीं, हम तो किसी को रोक भी नहीं सकते। बाकी बात यह है कि अगर आप लोग सच में उसके बारे में कुछ अपडेट जानते हो तो मेरे को नीचे कमेंट बताना, बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।